व्हाट्सअप गाइस, पहले तो भाई थंबनेल पढ़ते हैं, मजा आएगा आपको वीडियो देख के। हमारे चांद पर इंडिया का कब्जा, पाकिस्तान सदमे में, ये क्या हो गया? चंद्रयान 3 से रिलेटेड वीडियो होगी, मिस्टर इंडियन बेकर भाई की है, तो पाकिस्तान इज आर क्राइंग आफ्टर दिस, क्या होगा देखते हैं। फिजा खान का रोस्ट भी होगा भाई। पहले तो बधाई हो दोस्तों चंद्रयान 3 के लिए, भाई जब दिल खुश हो गया तो अब देखते हैं वीडियो। और पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहोगे दो शब्द इनके लिए तो बताना, जो भी इनमें आपको जाहिल मिलते हैं। 1 2 3 गो। उस श्याम को न जाने हमने कौन कौन सा रंग नहीं देखा। मजाक, पाकिस्तान वालों मून पे कब जा रहे हो? गुस्सा, किसी को जो है अलिफ बे नहीं पता साइंस और टेक्नोलॉजी की, और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं। अकड़, पॉइंट सबको पता है कि पाकिस्तान के अगर हम उंगली करेंगे तो वो चुप नहीं बैठने वाला। ताने, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उनके 2 फेल हो चुके हैं। बेइज्जती होने वाली है अभी, जस्सी बेइज्जती तो होगी। स्वागत करो, अब्बू आ रहे हैं, तुम्हारे अब्बू आ चुके हैं। जैन भाई लोग, थैंक यू मेजर साहब। ये हवाओं में एक अलग सी महक, एक अलग सा संगीत सुन रहे होंगे आप। कुछ पल के लिए शांत हो जाएं, सुनेगा। ये जीत की खुशबू है, ये जश्न के नगाड़े गूंज रहे हैं। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिकल होना और आशावादी होना दोनों जरूरी है। इससे पहले हम सिर्फ आशाएं कर रहे थे, दुआएं कर रहे थे भगवान वाहेगुरु गॉड खुदा सबसे, और वो दुआएं सुन ली गईं। कल ही मैंने कहा था, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा खुद पूछे बता किधर लैंड करना है। तो चलिए दोस्तों, मैं थोड़े से विनिंग मोमेंट बड़ी जल्दी ही आधे मिनट से पहले पहले आपको दिखा देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। आई रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अस एंड ब्लेस अस। थैंक यू सर। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। जी बिल्कुल यही हुआ। और डिटेल से देखने के लिए आप कल वाला मेरा जो फर्स्ट इम्प्रेशन है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। चलिए अब थोड़ी पाकिस्तान की खबर लेते हैं। इस शानदार मौके पर वकील साहब ने, जिन्हें हम देखते ही रहते हैं, एक बहुत ही कमाल की गजल, शायर, कविता लिखी है, जिसे हम अंत में सुनेंगे। थोड़ी सी झलक देख लीजिए। क्या बात है, जबरदस्त। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते, आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत डोवल श्री जी के गीत गाते। क्या बात है, मजा आएगा। लेकिन पहले वो पल जिसका मैं इंतजार कर रहा था, वो चांद, वो पाकिस्तानी चांद, फवाद चौधरी की बात कर रहा, उसकी थोड़ी तुनाई करते हैं। अब पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, वो बोल रहे हैं कि चंद्रयान का ब्रॉडकास्ट लाइव पाकिस्तान में दिखाना चाहिए। बिल्कुल दिखाना चाहिए। ये वही फवाद चौधरी है जिसको यहाँ से बैठे बैठे चांद दिख जाता था। वो चाहता था कि टेलीकास्ट दिखाया जाए पाकिस्तान में। और कल ये इंडिया के न जाने कौन कौन से चैनल पर मेहमान था। इसे लग रहा होगा कि ये सेलिब्रिटी है, लेकिन हर चैनल ने बस इसे बजाने के लिए बुला रखा था। और आप इस्तेमाल, आपने अपनी अकल इस्तेमाल की है, वहाँ पहुँचे हैं। और आज जब ये चंद्रमंत्री, अरे घोंची, सबसे पहले ये बता चंद्रमंत्री क्या होता है? ये पोस्ट भाई साहब सिर्फ आपके ही वहीं होती है। आप जानते हैं पूरे विश्व में सारे देशों के मंत्रिमंडल में सिर्फ और सिर्फ एक चांद मंत्री हुआ है आज तक, ये है वो चांद मंत्री। शाम को आपके टाइम के ऊपर 6:15 6:15 पर, और पाकिस्तान के टाइम के ऊपर 5:15 के ऊपर चांद पर लैंड करेगा, और साउथ पोल पे लैंड करेगा, जो कि कहा जाता है कि जो चांद की भी सारी जो सतह है, या चांद का जो इस वक्त सारा साउथ के ऊपर लैंड करने वाला पहला जो है वो एक ऐसा ये होगा। सो अगेन मैं समझता हूँ कि बहुत मुबारक के मुस्तहक हैं वो तमाम टीम जिसने ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया। लेकिन मैं आपके उस बयान को यहाँ पर कोट करना चाहूंगी, क्योंकि अभी जो बात आप कह रहे हैं वो बिल्कुल उससे उलट है। पहले आप ही का वो बयान था जो हमने भी दिखाया था, जब आपने कहा था कि चांद पर जाने की जरूरत ही क्या है जब चांद यहीं से नजर आ जाता है। पाकिस्तान वालों मून पे कब जा रहे हो? अरे पठान भाई, कैसी बातें करते हो? ऐसी बात की उम्मीद आपसे नहीं थी, ये चांद पर जाएंगे। इनका चांद मंत्री क्या कहता है अभी आपने सुना, देख भी लो। और खास तौर पर साइड में जो ट्वीट्स चल रहे होंगे ना, वो देखना। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू है। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप इतने पापड़ नहीं बेलने की जरूरत,
चांद जो है वो नजर आ जाता है, एग्जैक्टली उसकी लोकेशन पता होती है। हाँ, तो जिन भाइयों ने सिर्फ इसके चांद जैसे मुखड़े पर नजर रखी थी वो थोड़ा बैक करके ट्वीट दोबारा पढ़ के आए। पहला ट्वीट, पहले ये चंदू चौधरी कहता है कि इंडिया चांद पर पहुंचेगा, इंडिया चांद पर पहुंचेगा 100 करोड़ लगाकर, बिल्कुल वैसे ही जैसे गदर में, जैसे गदर में सनी देओल पाकिस्तान पहुंचा। और कहता है कि बार बार चांद पर पहुंचने का सपना मोदी सरकार का इर्रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड दर्शाता है। और ये चंदू चौधरी चुप नहीं करता, कहता है इंडिया वालों इतना पैसा गरीबों पर लगाओ, गरीबी मिटेगी तुम्हारे देश से, ये मूंग और मसूर की दाल। हाँ, इसमें एक काबिलियत तो है, पीछे पुलिस पड़ी हो तो चंद्रयान से भी तेज भागता है। और ये आलम, ये हाल पाकिस्तान में सिर्फ एक मिनिस्टर का नहीं है, एक एटम भी देख लो। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। भाई 5 घंटे कुर्सी पर बैठ के लगातार बारिश देखने के बाद इनको ये समझ में आता है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है। इनसे उम्मीद करता है पाकिस्तान चांद पे जाने की। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ पठान भाई? पहले तो अगर हिंदुस्तान कुछ बना लेता था या कुछ कर लेता था तो पाकिस्तान वाले बोलते थे हमने ये भी किया है हमने, अब ये बताओ मून पे कब जा रहे हो, सारी बातें छोड़ो। धरती पे रहने के लाले पड़ रहे हैं दोस्तों। चंद्रयान 3 को लेकर दो देश काफी ज्यादा परेशान हो रहे थे और दुआएं कर रहे थे अपनी अपनी लैंग्वेज में। पड़ोसी देश यही बोल रहा था कि या अल्लाह चंद्रयान 3 क्रैश हो जाए, चंद्रयान 3 सॉफ्ट लैंडिंग ना करे, या अल्लाह। वो यही दुआएं कर रहा था। और एक और पड़ोसी देश है जो चाइना है, वो भी यही दुआ कर रहा था, चाइनीज में बोल रहा था कि चंद्रयान 3 गिर जाए। लेकिन फाइनली दोनों की अभी थोड़ा इमरजेंसी है, बाद में गाना बनाएंगे, अच्छे गाने बनाएंगे। बनाएंगे क्यों नहीं, हमने तो बिना ओकेजन 2 गाने बना दिए, वो अलग बात है किसी ने देखे नहीं, ये तो ओकेजन ही कमाल का है, इस पर नहीं बनाएंगे तो कब बनाएंगे अच्छे गाने। इसने अपनी चांदनी हर एक इंडियन चैनल पर बिखेरी है। कल एक बेहद अहम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा पाकिस्तान से, फवाद चौधरी। बैठा देखो पातली मार के सोफे पे, ऐसे जैसे अभी बिरयानी की प्लेट आने वाली है। सर बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। एंकर सवाल पूछे जा रही है, ये उधर टीवी की तरफ देख रहा है। इतना ही मूड ऑफ है तो मत दे इंटरव्यू, डॉक्टर ने बताया तुझे। जी बिल्कुल। चलिए दोस्तों, अब कुछ अच्छे लोग, अच्छे यूट्यूबर, अच्छे जर्नलिस्ट जिन्होंने शायद दिल से ही हमें शुभकामनाएं दी होंगी, देखते हैं। सबसे पहले तो क्लैपिंग हमने साथ ही कर दी, बहुत बड़ी कामयाबी है ये इंडिया के लिए और बहुत ज्यादा मुबारकबाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। इंडिया वो पहला कंट्री बन गया है जो मून के साउथ पोल पर पहुंचा है। थैंक यू मैडम। और आपके वाले अलिफ बेनी पता साइंस और टेक्नोलॉजी की, और कभी तो हम पानी से चलाने वाली गाड़ियां बनाते रहते हैं। अच्छा। इसके अलावा हम खरबूजों और तरबूजों पर जो है वो ढूंढते रहते हैं बादल और पता नहीं किस किस के मुकद्दस नाम। और हमें असल में जो ढूंढने की जरूरत है वो ये है कि असल में साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम हम कहां से हासिल करें। मैडम एक राय है, इंडियन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखे जा सकते हैं, आप अपने सुपारी वो सुपारकों को कहिए। और रही बात जनता की, सुपारको कुछ करे ना करे जनता को एटलीस्ट बता दें कि उनकी स्पेस एजेंसी का नाम सुपारको है। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा। हमारी स्पेस एजेंसी का नाम क्या? सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगा। नासा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के पास एटॉमिक पावर है। एटॉमिक पावर का क्या किया है आपने? मैम वो हम इसी तरह से तो किसी के ऊपर नहीं ना उसको यूज कर सकते। सुनो, आपने एटॉमिक पावर की बात की तो मैं आपको बता चलूँ, एटॉमिक पावर है हमारे पास और इस चीज का हमें बेनिफिट भी है, लेकिन उसका बेनिफिट कहाँ पर है? जब हमें वॉर करनी पड़ेगी, और वॉर करने का आज टाइम नहीं है। ना 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 ना, ना टाइम तो बहुत है, टाइम भी बहुत है, जज्बे की भी कमी नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है आटा खाने का, और भूखे पेट वॉर का ख्याल तो कहाँ से आएगा, पोटी भी नहीं आती। मैम एटॉमिक पावर जो हमारे पास है इसी वजह से हमारा मुल्क अभी सलामत है एटॉमिक पावर की वजह से, बिकॉज सबको पता है कि पाकिस्तान के अगर हम उंगली करेंगे तो वो चुप नहीं बैठने वाला। बिल्कुल सही, पाकिस्तान में गिने चुने लोग ही शांत हैं, बाकी सब सना जैसे हैं। पाकिस्तान के थोड़ी सी उंगली करो शाम तक उछलता रहता। तो क्या मुकाबले में वो नहीं आगे से करेगा? मैम परमिशन ही नहीं है किसी भी कंट्री को कि वो एटॉमिक पावर का यूज कर सके, बिकॉज वो
सुपर पावर कंट्री जो है ना, वो सुपर पावर कंट्री तो अमेरिका है, तो सबसे पहले उनसे मतलब परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर बाद में होगा कि वो भी यूज करें या हम भी। समझ आया कुछ? बाकी देशों को परमिशन की जरूरत है, पाकिस्तान को नहीं, किसकी मानता है पाकिस्तान? लड़ने और मरने से हम नहीं। स्टार्टिंग में ही आपने जंग और वॉर की बात कर ली है, तो मैं यहाँ पर आपसे मोहब्बे वतनी होने का एक छोटा सा सबूत चाहूंगी। नेशनल एंथम पूरा आता है पाकिस्तान का, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं आपको। जब बात आप कर सकते हैं जंग की, वॉर की, लड़ाई की, एक स्टूडेंट होने के साथ साथ, तो मुझे लगता है कि नेशनल एंथम तो आपको धड़ल्ले से सुनाना चाहिए। बिल्कुल मैम, लेकिन मैम मैं ये कह रहा था कि इनको नेशनल एंथम का नहीं पता और परमाणु बम की ऐसे बात बता रहा जैसे इसी ने बनाया हो। यूरेनियम का गट्टा भर के इसको दे दो, इधर ही बना देगा। इसे अगला आर्मी चीफ बना दो, मुनीर हो गया पुराना, उसको निकाल दो। दोस्तों चढ़ते को सलाम, चलती को गाड़ी तो सभी कहते हैं। चंद्रयान चांद पर लैंड करने से कुछ घंटे पहले क्या सीन था? जैसे उनके पहले दो वो नहीं हुए थे इस तरह, मुझे अब भी ये लग रहा है क्योंकि इससे हम इससे बात नहीं कर रहे थे। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि ऑलरेडी उनके दो फेल हो चुके हैं। तो नहीं है, ट्राई ट्राई अगेन भी हो सकता है, तो क्या पता वो कामयाबी लेके आए। वेट कर लेते हैं, पहुंच गया तो और ज्यादा अप्रिशिएट। क्लैप हो जाए इसके लिए, क्लैप हो जाए। यही तो है फवाद चौधरी जैसे फालतू मंत्रियों वाला एटीट्यूड, दोगलापन। वेट कर लेते हैं, पहुंच गया तो अप्रिशिएट करेंगे वरना। चलिए बहुत हुआ, इतनी ही क्लिप्स मिली मुझे, कल और मजे लेंगे इनके। अभी वकील साहब, आपने इनके पुराने वीडियोस तो देखे होंगे, बहुत शानदार बात करते हैं इंडिया के बारे में। इन्होंने एक कविता लिखी है, जिस पल का हमें इंतजार था वो पल हमारी दुआओं दुआएं रंग ले आई। चंद्रयान सर कामयाब हो गया सर, लैंड कर गया, तिरंगा लहरा दिया भाई, तिरंगा चला गया चांद पे। तो करें कि जब देखा, जब ये न्यूज आई, मेरे तो यार मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पता है मुझे वो दौर याद आया जब ब्रिटेन हमें कहा करते थे एक कुत्ते इस तरह करके कहा करते थे, आज दे आर नॉट ब्रिटेन नहीं पहुंचे, आज तो वी इंडियन। यार यकीन करें ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, ये सब पूरे पूरी दुनिया पूरी इंसानियत के लिए। आप यकीन जाने बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ये मैंने कहा वो ग्लोबल लीडर बन गया, नासा दिखा रहा है। रोसकॉस्मोस जो रशियन इनकी सैटेलाइट एजेंसी, दुनिया दिखा रही है। देखें हमने आपको पहले बता दिया था, रशिया कर रहा है मिसाइल एक्सपेरिमेंट और इंडिया कर रहा है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर। आपके लिए आने लगी है ये चंद्रयान के लिए, ये हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए पोएट्री आने लगी है, सर ने खुद लिखी है। और कितना बड़ा दिन है यार ये तो, ये सर जी सर इरशाद हो सर। हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। हिंदुस्तान के बच्चों ने बचपन में मासूमियत से अपना हाथ चांद की ओर बढ़ाया। अच्छा। हिंदुस्तानी कौम के तहाद, मेहनत, यकीन, जिद्दोजहद और बुलंद हौसला से मोदी सरकार ने तिरंगा चांद पे लहराया। ओए ओए ओए, क्या बात है, जबरदस्त। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते। संसार में नादान कभी हिंदुस्तानी कौम के ख्वाबों का मजाक उड़ाते, आज इसरो की कामयाबी पर हैं अजीत दोवल श्री जी के गीत गाते। क्या बात है सर, जबरदस्त। वक्त की धारा देखो हिंदुस्तानी अपने जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। यार वाकई में ही, वक्त की धारा देखो हिंदुस्तानी अपनी जीत से सितारों को भी पीछे और नीचे छोड़ा है। आज हिंदुस्तानी कौम के सपूत संसार में राजनाथ सिंह, एस जे शंकर और अमित शाह जैसे रोशन कहलाए। हिंदुस्तानी सेना और जनरल मनोज पांडे सूरमा ने जोश कुवत हौसला से तिरंगा को है सलूट मारा। क्या बात है, जबरदस्त। खुशबूदार हवाओं ने फूलों को छूकर तिरंगा को चूम 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 कर पुकारा, हिंदुस्तान ये चांद अब तुम्हारा बटवाए, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। क्या बात है सर, जबरदस्त। तो दोस्तों वकील साहब की पूरी कविता सुनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा, पाकिस्तानी कविता, पपीता, बबीता सबके लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, जरूर चेक कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, दरबार खल्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पहले वंस अगेन हर वीडियो में बोल रहा हूँ भाई, जब भी देख रहा हूँ मैं, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको, हम भारतवासियों को कि इतना बड़ा मुकाम हमने हासिल किया है, प्राउड मोमेंट है हम सबके लिए। और पाकिस्तान की अगर बात करते हैं
जो वो अंकल थे लास्ट में उन्होंने तो बहुत बड़े शायरी, उन्होंने चीजें ऑब्जर्व करके बोली हर एक चीज, लेकिन एक वो अंकल भी नहीं कहूंगा मैं तो, वो क्या है चंद्रमंत्री उनका वो भाई साहब चंद्रमंत्री चांदमंत्री गजब भाई साहब क्या कह रहा ये दिखता है आपको दोगलापन एक्सट्रीम लेवल का, और वो भी महीने भर के अंदर ही। पिछले महीने क्या कहा कि चांद दिखता तो है क्या करेंगे जाके वहां पर, और अब कह रहा लाइव टेलीकास्ट दिखाओ पाकिस्तान के अंदर। मुझे लग रहा पता है क्यों कह रहा था, इसको ये लगा कि अनसक्सेसफुल हो जाएगा फिर मजाक उड़ाएंगे अपने न्यूज चैनलों पर ही। इसमें भी बहुत एक वो तो लाइमलाइट में तो बने रहेंगे, लेकिन वैसे मिसाइल तो इनके भी लगी हुई है बढ़िया सी, जब पुलिस आती पुलिस आ गया पुलिस ऐसे गायब हुए थे, मेजर साहब ने सही मजे लेते हैं। क्या बोलते हैं दरियाई घोड़े डब्बू भी तो बोल रहे हैं, डब्बू किसी और को बोलते हैं, इसे को बोलते हैं लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ना बहुत कम लोग हैं जो समझदार हैं, जैसे वो अंकल थे। एक बार एक भाई और देखा था, एक तो क्या कह रहा है क्या क्या जरूरत है चांद पे जाने की, चांद यहीं पर है पाकिस्तान चांद जैसा ही है, अगर वहां पानी नहीं है यहाँ भी पानी नहीं है, वहां गैस नहीं है यहाँ भी नहीं। उसने तो सही रोस्ट कर दिया था भाई, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब वीडियो को कर दे लाइक। बाकी एक वो देख वो नेशनल एंथम भी नहीं आता उसको, ये तो सच में यार हमारे मतलब देखोगे ना तो ये तो हाई स्कूल में कराते हैं तो बच्चे बच्चे को पता है नेशनल एंथम क्या है, हमें टाइम पावर है हमें क्या करना चांद पे जाना, ये जो कॉन्फिडेंस है ना तो यही है। क्या बोले इनको, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय टेक केयर।